तो आज का ये जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस आपने इसका टाइटल बिल्कुल एकदम ऐसे दिमाग में इमेजिन कर लिया होगा कि एक जगह से दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह राइट right? ऐसे ही कुछ होता है हमारे प्रोटैगनेस सोफ़ी के साथ में तो जो हमारी लीड है स्टोरी में सोफ़ी वो भी ना बस दिमागी पुलाव बनाती है ख्याली पुलाव बनाती रहती है एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह बस ख्यालों में खोई रहती है तो इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें थोड़े से यू नो कैरेक्टर्स से मिल लेते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा है सबसे पहले हम मिलेंगे प्रोटैगनेस सोफ़ी से जिसके अराउंड पूरा का पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है इसके बाद में हमें चैप्टर के अंदर मिलेंगी जन्जी जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है आ, फिर हमारे को यहाँ पर चैप्टर में मिलेगा चुगलखोर सो डैरिकरिक सोफ़ी का छोटा भाई है और छोटे सिबलिंग्स के जैसे चुगलखोर है एकदम चुगली करता रहता है बस फिर हम मिलेंगे सोफी के पापा से सोफी की मम्मा से सोफ़ी के बड़े भाई जियाफ से Uh, उसके बाद में uh, स्टोरी के अंदर एंट्री होगी एक फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी की और उसके बाद में हमारे लास्ट कैरेक्टर जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो है फ्रैंक जो कि जेंजी सोफ़ी की बेस्ट फ्रेंड के भाई हैं ठीक है okay? तो इट्स लाइक सोफ़ी और जेंजी बेस्ट फ्रेंड है सोफ़ी का भाई जियॉफ़ और जेंजी का भाई फ्रैंक बेस्ट फ्रेंड है तो uh, ये सारे कैरेक्टर्स हमारे इस चैप्टर में रहने वाले हैं बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में तो फटाफट से ऑथर ओपी कर दीजिए और शुरू करते हैं चैप्टर को तो चैप्टर की, की शुरुआत कैसे होती है चैप्टर की शुरुआत होती है सोफ़ी के ख्यालों से सोफ़ी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई है और एकदम से बोलती है कि जब मैं स्कूल से फ्री हो जाऊंगी जब मैं स्कूल छोड़ूंगी तो मैं क्या करने वाली हूँ मैं एक बुटीक शुरू करने वाली हूँ तो सोफ़ी ने एक ख्याल बना लिया है कि जैसे ही वो स्कूल से फ्री हो जाएगी वो एक बुटीक खोलेगी अब आपको तो पता ही है कि जब हम लोग अभी यू नो स्कूल में होते हैं और हम हमारे करियर के बारे में सोच रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं और हमें लगता है कि लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ की रियालिटी से अभी हम मिले ही नहीं होते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हर चीज़ की पॉसिबिलिटी खोज ही लेते हैं इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो तो यहाँ पर सोफ़ी भी सोचती है कि जैसे ही वो स्कूल से निकलेगी वो एक बुटीक खोल लेगी आ, यहाँ पर कहीं ना कहीं यू नो एक बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड के जैसे उसके आर्म्स में आर्म्स डाल के चल रही है और थोड़ा सा उसे डाउटफुली देख रही है कि तू बुटीक खोलेगी अब वो वहाँ पे प्यार से उसे सोफ बुलाती है और बोलती है पैसा लगता है सोफी इसमें बुटीक ऐसे ही नहीं खुल जाता पैसा लगता है सोफी कहती है आ जाएगा पैसा पैसे की कमी नहीं है दुबई के अंदर हमारे पकड़ो के ढेले हैं तो सोफी एकदम यू नो एकदम एकदम खतरनाक ऐसे स्ट्रीट पे स्ट्रेट देखते हुए एट डिस्टेंस बोलती है आई फाइंड इट उसको पैसा मिल जाएगा वो एकदम डिटर्मिनेशन से ऐसे देख रही होती है और क्योंकि एक बुटीक खोलना है तो वो पैसा ऐसे चिंदू ऐसे ऐसा पैसा नहीं चाहिए होगा खूब सारा पैसा चाहिए होगा तो जेनजी कहती है भाई सोफ़ी बहुत पैसा लगेगा तेरे को ये बुटीक खोलने के लिए और उसमें बहुत टाइम लगेगा तो अब बहुत टाइम लगेगा और सोफी को तो बुटीक ही खोलना है अब क्या कर सकते हैं तो सोफी बाकी सारे भी सोचती है। कहती है मैनेजर mm, बन जाऊंगी आई विल बीनेजर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी और जैसे ही मेरे पास में पैसा आ जाएगा और उसके बाद में मैं बुटीक खोल लूंगी तो जैसे ही मैं मैनेजर बनूंगी मेरे पास पैसा आएगा और मैं बुटीक खोल लूंगी अब एकदम से जेन्जी उसको फिर रियलिटी चेक देती है बेस्ट फ्रेंड्स का काम ही होता है ना रियलिटी चेक देना हम लोग ख्वाबों में खोए रहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स हमें रियलिटी चेक ही देते रहते कहते उठो उठ जाओ भाई है ना बेस्ट फ्रेंड स्पीशी ऐसी है तो यहाँ पर जेन्जी भी ऐसा ही कुछ करती है जेन्सी कहती सुन तो स्कूल से निकलेगी अभी और निकलते निकलते तुझे कोई मैनेजर बना नहीं देगा तो यहाँ पर वो बताती है तो एकदम से सोफी बोलती है ठीक है भाई कोई बात नहीं मुझे मैनेजर नहीं बनाएंगे तो मुझे एक फैशन आइकन बना देंगे

यहाँ पर वो एकदम से ऐसी बातें करती है अब ये ऐसी बातें सोफी ख्यालों में ड्रीम्स ड्रीम्स यू नो ड्रीम्स में खोई हुई ये बातें कर रही होती है जेनजी जो है वो सोफी से बहुत अलग है जमीन से जुड़ी हुई है उसे अपनी रियालिटी पता है जेनजी को ये चीज पता है कि उनकी किस्मत क्या है उनकी किस्मत है कि यहाँ से फ्री होकर वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी और वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती पर अपनी दोस्त को इस तरीके के ख्वाब बुनते देखना

Friend, उसे रियालिटी चेक देती है कहती है, सुन बस कुछ ही महीनों के अंदर हम ट से बाहर निकलने वाले हैं अब तो हमें सेंसिबल हो जाना चाहिए ना सोफी कुछ ही दिनों के अंदर हम ट्वेल्थ से निकल जाएंगे कम से कम अब तो तुम्हें सेंसिबल होना चाहिए और वैसे भी ये शो शॉप वर्क और इन सब के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और तुम्हारे पापा तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे सोफी थोड़ा सा सेंसिबली सोच यार तेरे को करना क्या लाइफ के अंदर इस तरीके से सपने मत देख बस सोफी कुछ नहीं सुन रही

हम लोगों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना एंड दैट्स द कहीं ना कहीं वो से यहाँ पर जमीन से जोड़ने की कोशिश कर रही है सोफिया भी उड़ रही है खैर कोई बात नहीं बोला कि अब देखो एक्ट्रेस बनने में तो खूब पैसा ही पैसा होगा और देखो मेरे को पूरे टाइम काम नहीं करना पड़ेगा तो मैं बुटीक भी खोल सकती हूँ बुटीक साइड बाय साइड मेरा चलता रहेगा एक फैशन डिजाइनर भी एक अच्छा ऑप्शन है यू you नो know? क्योंकि भाई यहाँ पर तो आपको पता ही है कि मेरे को लाइफ में जो भी करना है ना बस वो सोफेस्टिकेटेड होगा या ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं करूंगी मैं तो फेस्टिकेटेड होगा फाइनली वो एकदम से अपने यू you नो know, एकदम से अपनी स्ट्रीट के गेट पर आ जाती है और अभी भी अपने सपनों के अंदर है और अपने सपनों के अंदर वो जेन्जी को पीछे छोड़ जाती है बारिश हो रही है जेन्जी बेचारी पीछे है वो खड़ी होकर भीग रही है एंड सो इज लाइक ला 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 वो चली जा रही है सोफी तो अपने आगे बढ़े जा रही है एंड देन बोलती है अगर मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं एक बुटीक खोलूंगी जेन्जी भीगते हुए कहती है अगर तेरे पास पैसा होगा ना तो पहले तू घर खरीद लेना अगर तेरे पास पैसा होता है तो पहले तू घर खरीदना एक घर घर की रिक्वायरमेंट है तेरे को और में तूने मुझे बुलाया थैंक यू वेरी मच बेचारी जैनजी भीग रही है वहां बारिश के अंदर एंड सोफी लाइक जब पैसा होगा तो मैं बुटीक खोलूंगी जैनजी कहती है सुन पहले तो तू घर खरीदना और दूसरी बात घर के अंदर बुलाने के लिए थैंक यू ऐसा दोस्त भगवान सबको दे एनी anyway, सो so अभी इसके बाद में ये तो हो गया कम्पलीट अब सोफी के घर के अंदर हम एंटर कर चुके हैं अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैम एक बुटीक खोल रही है सोफ़ी हाँ इसमें इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम है देखो सबसे पहले तो बिस्किट फैक्ट्री ने आपको ये बताई दिया होगा कि सोफी एक बहुत वेल टू डू फैमिली से तो नहीं आती है तो इसकी वजह से अगर वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जा रही है तो बेसिकली उसे काम करना पड़ेगा ऐसी जगह पे और कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को अलाउ करेगा और अब उसके घर का डिस्क्रिप्शन हमें ये पूरी तरीके से बता देगा कि जो वो सपने देख रही है वो जेनजी को रियलिस्टिक क्यों नहीं लग रहे तो सोफी के घर में हम अंदर आते हैं और सोफी के पापा एक टिपिकल पापा के जैसे घर में ऐसा नहीं होता तो पापा की एंट्री होती है पापा और कुछ नहीं देखते खाने में क्या है उन्होंने हाथ अभी कोरोना की वजह से मेरे ख्याल से सारे लोग अभी हाथ धोने लगे नहीं तो हाथ भी नहीं सीधे पता नहीं किचन में जाएंगे और कहाँ से कुछ तो लेकर आएंगे मम्मी ये कहाँ पड़ा था तो बेटा पता नहीं पापा पता नहीं कहाँ से ढूंढते हुए खाते हुए लेकर आएंगे उसे वो कुछ नहीं सोचेंगे मम्मी बेचारी गा बता रही है हाँ आज क्या हुआ फिर मैंने पिंक कलर का स्वेटर ही खरीद लिया फिर और क्या करू यही किया फिर मैंने मम्मी आराम से अपनी अलग ही बातें बता रही है फिर ऐसा हुआ फिर उन्होंने करनी इतने में मैंने करनी इतने में, इतने में कैसे लेंगे पापा खाना खा रहे हैं पापा अपना खाया जा रहे क्या कोई बात नहीं जो कहना कहती रहे ऐसे कुछ हुआ सोफी के पापा हराम से खाना खा रहे तरीके से पसीने में भीगे हुए है। है और इतने में एंट्री हो होती है हमारे चुगलखोर चुगलखोर डायरेक्ट की बोल रही हूँ इतनी चुगली करता है इतनी चुगली करता है कि जैसे ही पापा आए हैं पापा के पीछे लटक के क्या रहा है पापा सोफी तो ऐसे सोचती है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं कैसी सी है उसको तो पैसे पेड़ पे उगते हैं चुगली कर रहा है उसकी सोफी तो आके पापा को चुगलियां कर रहा है कहता है उसको लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं तो को है। है है। कोई भी रियलिस्टिक नहीं है कुछ सोचती है अजीब अजीब सोचती है अब यहाँ पर ये दोनों का अपना चल रहा है मम्मी बेचारी थकान भरी सांस ले रही है बर्तन साफ करे जा रही है वो बेचारी अब यहाँ पर मम्मी दे सोफी मम्मी को देखती है मम्मी बेचारी झुकी हुई है बर्तन साफ़ करे जा रही है उनका एप्रन उन्होंने पहना हुआ है पीछे उसके बो बंधा हुआ है वो बो ऑलमोस्ट खुलने की स्थिति में है सोफी उन्हें देखती है अब सोफी को कहाँ पर ये चीजें अच्छी लगेगी सोफी से तो सोफी ये सारी की सारी चीजें देखती है एक छोटे से रूम की बात है जहां पर आप देखोगे ऑलरेडी शाम हो चुकी है पूरी जगह पे धुआं धुआं है चूल्हे की वजह से पूरा धुआं हो रखा है हर जगह पे आप देखोगे इधर उधर चीजें फैली हुई है इतना छोटा रूम है कि लोगों की सांसें तक आपको सुनाई दे जाएंगी इसके साथ में आप देखोगे लाइक यू नो एक एक जगह बहुत ही ज्यादा साफ करने के लिए चीजें पड़ी हुई हैं सोफी ये है सारी चीजें देखती है और उसे है वो फटाफट जाती है और देखती है कि उसका भाई जी ऑफ क्योंकि तो उसका बड़ा भाई है तो उसका बड़ा भाई जी ऑफ जियं पर है अब वो जी ऑफ के पास जाती है अब जी ऑफ जो है जी ऑफ के रूम में जाती है वहां पर जाती है तो अब जी ऑफ क्या कर रहा होता है जी ऑफ वो कर रहा होता है जो हर मैकेनिकल इंजीनियर करता है अब क्या होता है कि हर परिवार के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई दूर के पास के रिश्तेदारों में कोई ना कोई मैकेनिकल इंजीनियर मिल जाएगा अब उनकी इंजीनियरिंग पे इतना पैसा खर्च हो जाता है मैं कह रही हूँ फ्रेंड बताओ जाना मेरे खत के घर में मेरा भाई है

एनी anyway, वे so जी ऑफ भी वही कर रहा है अब जी ऑफ यहाँ पर आराम से घुटनों के बल एकदम बैठा हुआ है और उसके बाद में एकदम से अपने सारे के सारे जो पार्ट्स है मोटरसाइकिल के उनके साथ में कुछ तो सोचे जा रहा है यू नो उसने क्या कर रखा है पूरे न्यूज़पेपर पे कुछ पार्ट्स वगैरह डाल रखे कुछ तो कर रहा था वो उसके साथ में अब आपको पता है वो स्कूल से बाहर आ चुका है एक अप्रेंटिस मकैनिक है अभी और सिटी के अंदर बाहर आता रह, जाता रहता है काम के लिए अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है बड़ा हो चुका है तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर बहुत सारी एस्पेक्ट्स है उसके काफ़ी सारे एरियाज़ है जो वो लोगों के साथ में शेयर नहीं करता फैमिली के साथ में शेयर नहीं करता साथ ही साथ तुम्हें पता है वो बहुत कम बोलता है इतना कम बोलता है कि उसके मुंह से बातें उगलवानी पड़ती हैं और ना सोफी को बड़ा एक्साइटिंग लगता है ये सोवी सोचती क्या करता है ये कुछ तो है जो इसके दिमाग में चल रहा है जो हमें नहीं बताता दिमाग में कुछ तो चल रहा है सोफी को जानना है वो सोफी को जानना है कि आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है ठीक है वो क्या सोचता है वो कौन से वर्ल्ड के अंदर है जिस वर्ल्ड के अंदर सोफी नहीं गई और उसी वर्ल्ड के अंदर अब सोफी को जाना है बस तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे होते हैं एकदम से यू नो वो सोचती है वो दुनिया कौन सी है वो कौन सी दुनिया है वो बाहर की दुनिया जहां पर वो अभी अपना काम करने जाता है कहीं पर भी बस उसे जाना है वहां पर जाना है अजीब सा फैसिनेशन उसे फील होता है जी ऑफ की दुनिया से फिर फाइनलीफ की अलग दुनिया होगी जहां पर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते होंगे जिनके बारे में सोफी नहीं जानती होगी जिनके बारे में सोफी अभी नहीं जानती होगी यू नो उसको वहां पर जाना था था उसे जानना था कि कहीं ना कहीं वो की जियेक्शन और यू नो क्लेम कर सके जियोफ उसे और प्यार करे जियो उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाए पर जियफ उसे छोटी बच्ची मानता था और उसके पापा भी बोलते थे कि नहीं तुम्हें जी के साथ कहीं नहीं जाना तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था आम, पर वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशन थी उसके उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं था कि वो बड़ी हो जाए और उसके बाद वो जियोफ के साथ घूमे फिरे राइट तो ऐसा लगता था कि यार ठीक है मतलब यू नो इट्स लाइक एक दुनिया है जो सोफी का इंतजार कर रही है एक ऐसी दुनिया है जिसमें जियऑफ रहता है जो सोफी का इंतजार कर रही है और इस दुनिया में ना सोफ़ी की एंट्री होके रही और सोफी की एंट्री होगी जियॉफ की मोटरसाइकिल पे यहाँ पर जियॉफ ने एकदम खतरनाक ब्लैक कलर का लेदर जैकेट पहना होगा और सोफी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी होगी जिसमें केप होगा और वो बाइक पे अपने भाई के पीछे बैठी होगी वो केप लहरा रहा होगा और जैसे ही वो क्या कर लेंगे इस में? कि वो बाइक पे जब निकलेंगे, तो दुनिया खड़ी होकर उनके लिए तालियां बजाएगी और सोफी को लग रहा है हाँ, ऐसा होगा तो होगा मान लेते हैं ऑल राइट फाइनली बाद में देखो क्या होता है अभी ये तो सोफी ने सोच लिया अब यहां पर बेचारा अब देखो सोफी को क्या लग रहा है सोफी को लग रहा है जी दुनिया जी अलग दुनिया में जहां पर वो रहता है कुछ तो सोचता रहता है, तो ये, कहां है तो ये तो बताया नहीं था तो यार यही तो नहीं करना था मेरे को प्रोजेक्ट देख के नहीं बनाना चाहिए था की, की, कैसे फिक्स होगा ये झूठ तो नहीं कह रही यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा वो ऐसे घूरे जा रहा था ऐसे घूरे जा रहा था अपनी बाइक को और बाइक के पार्ट्स को जैसे कि वो छोटा सा एनिमल हो जो अब बोल पड़ेगा कि भाई बस हो गया अब इसको यहाँ लगा ले और उसके बाद में बाइक शुरू हो जाएगी बात खत्म कर तो एकदम से एकदम वो ऐसे देख रहा था अब क्या करे जियोव के मुंह से तो कुछ आवाज निकलने वाली है नहीं वो तो कुछ बोलने वाला है नहीं तो सोफी ने बोला आई मेट डेनी कैसी अब आप एक एक स्पोर्ट के फैन हो आप फुटबॉल फैन हो क्रिकेट फैन हो हॉकी फैन हो ठीक है आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है और उसमें भी आपको एक प्लेयर आप एक प्लेयर के बहुत बड़े फैन हो और कोई एक इंसान उसका नाम ले लेता है ना यूलबिलेख आपको अपना लगता है वो इंसान वो इसका नाम ले तो ले एक बार आपके पास में हर चीज है जो जो कि आपको पता है उस इंसान के बारे में एंड जैसे किसी ने आपके खुद के भाई का नाम ले लिया हो पिछड़ा हुआ भाई तो इधर इधर एकदम से सोफी कहती है आई मै डेनी कैसी मैं डैनी कैसी से मिली हूँ जी ने सब छोड़ दिया है वो तो पार्ट वैसे भी उसे समझ नहीं आ रहे थे वो सब छोड़ के जी जियो से कहा मिलिए तू अब यहाँ पर क्या है कि एकदम मेंशन किया गया है बोला कि यार यहाँ पर अभी यू you नो know, ये जब रास्ते में आती है तो उसको एक शॉपिंग सेंटर मिलता होगा काफी सारे शॉप्स वहां पर होते होंगे तो उसने सिंपली यही बोल दिया बोला कि मैं भी शॉपिंग सेंटर पे मिली हूँ से और जैसे उसने बोल दिया ये तो एकदम से अब ऑब्वियसली बिलीव नहीं होगा ना मतलब मैं आपको बोलूँ की मैं सरोजनी मार्केट गई थी और फिर मेरे को बाजू में विराट कोहली मिल गया तो वो थोड़ा सा नहीं होगा ना वो यकीन नहीं हो पाएगा तो एकदम ऐसे ही उसने बोला कि वो भी अभी बाजू की शॉपिंग सेंटर में उससे मिली है यकीन कैसे होगा तो जी और भी बोलता है भाई पापा वापा को बताया नहीं बताया कहती नहीं नहीं बताया वो एकदम से यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है मतलब यू नो इट्स लाइक

और तुम तुमको जितना टॉल वो लगता है ना उतना टॉल वो है वो दिमाग में सोच रही थी कि उसके दांतों के बारे में भी कुछ कहे बट शी वाज लाइक नहीं नहीं उसकी आंखें बहुत उसकी आंखें हरी है और जेंटल भी है और वो जितना टॉल दिखता है टीवी उतना नहीं है अरे ठीक है सो वी ऑल राइट अब एकदम से यहाँ पर ये बात ही हो जाती है और इतने में पापा ने भी खाना खा लिया है तो पापा हाथ मुंह धोकर आते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हर पापा की लाइफ के अंदर होती है वो है टीवी अब अब बैठ के वो टीवी देखेंगे तो वो आराम से वहां पर चेयर पर बैठकर टीवी देखना चाहते हैं वहां पर वो चुगल खोल डायरेक्ट का जूता होता है पापा ने इतनी केयर नहीं करी कि उस जूते को उठा के जूते वाली जगह पे रखे पापा ने भी लात मार के उसे सोफे पे फेंक दिया है और आकर बैठ गए वहां पे टीवी देखने के लिए अब इतने में जियोफ जो कि ऑलमोस्ट यकीन कर चुका है सोफी की बात पे आकर पापा को पता था पापा सोफी डैनी कैसी से मिली है पापा को पता है सोफी के पापा रग रग से वाकिफ है सोफी के और एकदम से सोफी भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है पास में और उसके पापा एकदम से पीछे देखते हैं और पीछे देखकर सोफी को घूरते हैं और जियफ कहते है, पापा ये पापा सच है सोफी सोफी डैनी कैसी से मिली है पापा पापा कहते ठीक है मैं भी किसी इंसान को जानता हूँ जो टॉम फिनी से मिला था इसमें क्या बड़ी बात है अच्छा मैटर की शुरुआत हुई थी कि सोफी डैनी कैसी से मिली है और ये मैटर जो है वो जल्द जा चुका है अब किस चीज पे डिस्कशन पे कि कैसी कैसा है ये ऑलमोस्ट वही डिस्कशन है जो शायद घर में हर एक यू नो फैमिली मेंबर के बीच में होता होगा दादाजी बुलबीलाए अरे कपिल देव की कुछ बात ही और थी

लाइफ के अंदर वो इनकी अपनी अलग आर्ग्यूमेंट चल रही होती है ये वही आर्ग्यूमेंट है और ये वही तरीके के अच्छा ये तो ये है बट इसके साथ साथ में आप देखना कभी भी ऐसे मैच वैच चल रहे होते हैं घर के अंदर ऐसी ऐसी कोचिंग ये चल रही होती है जैसे कि यहाँ पर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच है वो कहेंगे आप वहां से आ जाइए आप मेरी जगह ले लीजिए आप यही कोच कीजिए डायरेक्ट कितने चौका मारना यार क्या हो रहा है यार ये बिग गए यार ये अपना अपना अलग चल रहा होता और वही डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है

Uh, दोनों ऐसे यू you नो know, दोनों की एबिलिटी के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं डेनिक कैसी की एबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उसे टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए और और नो और इतने में सोफी आउट ऑफ नो बोलती है इज गोइंग टू बाई अ टीम के अंदर कैपेबिलिटी को नोटिस कर रहे थे उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड सोफी आउट ऑफ नोवेयर कहती है के कैसी एक दुकान खरीदने वाला है और ये अभी यहां पर सारे के सारे एकदम ऐसे उसके पापा को गुस्सा आ चुका अंदर से से और पापा देख अच्छा तूने कहा पर जैसे ही एकदम से उसने बोल दिया कि उसने खुद ने बताया मुझे अब पापा का गुस्सा पार हो गया बेटा ये तेरी फिर से वही कहानी है ना जो तू बनाती रहती है एक दिन ना तू तो बहुत बुरे फंसेगी बहुत बुरा फसेगी इन कहानियों के चक्कर में वो उसको वॉन करते हैं कहते ये हैं जो कहानियां तो बनाती रहती है ना इन कहानियों के चक्कर में बहुत बुरा फंस जाना है तूने एक दिन अब उसे यहाँ पर वॉन करे जा रहे हैं और एकदम से जियो बताता है कि नहीं नहीं पापा ये डैनी कैसी से सच में मिली है वो वापस से उसे वॉर्न करते हैं कि, कि किसी एक दिन तू ऐसे ही फंस जाएगी और बस हो गया अब वो कहीं ना कहीं यू नो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पापा को यकीन होता है नहीं होता क्योंकि फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जिय को यकीन होता है क्या जिय को यकीन हो रहा है वो पूछती है जी ऑफ से कि तुम्हें तो यकीन है ना मेरी बात पे एनी वे फाइनली ये जो है ये पार्ट अभी कंप्लीट हो गया पापा का रोल कंप्लीट हो गया हम लोग पहुंच चुके हैं जी ऑफ के बेडरूम में जहाँ पर आपको यू नो इट्स लाइक टेबल की लाइट दिखेगी वहां पे फुटबॉल के यू नो you know, टीम के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं आपको छोटी छोटी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी प्लेयर्स की जिसमें यू नो you know, तीन पिक्चर्स तो कैसी की है बहुत बड़ा फैन है ना का अभी यहाँ पर एकदम से ये इनका डिस्कशन अभी हो गया है अभी और डिस्कशन होना बाकी है काफी कमाल का डिस्कशन अभी अभी ठीक है अभी यहाँ पर ये यह हो गया इतने में अभी आउट ऑफ नो वेयर सूफी कहती है तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे जॉब कहता है, है क्या बताने के लिए क्या है बताने के लिए क्या बताना है अरे प्रॉमिस करो जीओफ कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे नहीं तो पापा मुझे जान से मार देंगे जियो कह रहा है वो जान से तो तब मारेंगे तेरे को जब उनको यकीन होगा ठीक है उन्हें यकीन नहीं है पहली बात तो तेरी बात ऑफ प्लीज, प्लीज मुझसे वादा करो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे अब जी को गुस्सा आ गया जी सोफी लाइने लगी होगी यानी किसी आगे लड़कियों की लाइनें लगी होगी तो क्या बात कर रही है वो यहां पर ये चीज बताता है कि तू अभी स्कूल में है और डेनी कैसी होगी नहीं लगी हुई ऐसी लड़के लड़कियों को नहीं बताते हैं क्या हो रहा है ये तेरे को क्यों बताएगा वो ये बात कोई नहीं बताता ऐसा बोला नहीं उसने मुझे पता वो ऐसा नहीं है वो वो काफी शांत है हाँ, काफी शांत है उसकी शांति तो दिख रही है वो जितना तेरे सामने बोल रहा उतना anyway, off, तुमें, तुमें है उतना पूरे इंटरव्यू में मैंने बोला एक्सक्यूज मी क्या आप डेनी कैसी हो सोफी के पचास रुपए ओवर एक्टिंग के काटोरे कोई एनी वे anyway, तो बोला एक्सक्यूज मी क्या आप डेनी कैसी हो और वो एकदम से सरप्राइज हो गया और उसने बोला

क्यों नहीं होगा कितना दूर है वेस्ट ऑफ आयरलैंड से यहाँ पर आना और जैसे ही वो जा रहा था उसने मुझे बोला अगले हफ्ते मिलोगी तो शायद मैं। और फिर क्या फिर मैंने हाँ कह दिया मैंने बोला ऑफ कोर्स हाँ मैं तुमसे मिलूंगी जॉब कह रहा है वो दिखेगा भी नहीं तेरे को वो आएगा भी नहीं यहाँ पे बट तुम तो मेरे पे यकीन करते हो ना जब तुम मेरे पे यकीन तो करते हो ना मैं उससे मिली थी जियो जीओफ़ पागल हो चुका है जी ऑफ को समझ नहीं आ रहा है इस पर यकीन करना है नहीं करना जियोफ ने अपना जैकेट लिया जैकेट डाला शेपलेस जैकेट था अपने आर्म्स उसमें अंदर डाल रहा है, रहा है है जैकेट पहन और जैसे ही वो अपने जैकेट पहन रहा है है सोफी उसे देख रही है। कहती है, मेरा कितना खूबसूरत भाई है काश तो थोड़ा सा फैशन सेंस भी होता है इसके अंदर इतना खूबसूरत लगता टॉल डार्क हैंडसम है एकदम वो तो एकदम से उसने ऐसे बोला बोला कि देखो यार कितना टॉल डार्क हैंडसम है हमारा एकदम मेरा भाई थोड़ा सा फैशन सेंस भी होता था है खूबसूरत लगता अब वो बेचारा जैकेट पहनते पहनते कहता है मैंने इससे बेकार बात आज तक नहीं सुनी है सोफी मेरे को यकीन नहीं हो पा रहा इस बात पर ही जा रही है ठीक है भाई ठीक है उसे यकीन नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है अब फाइनली हम लोग एक सैटरडे पे आ चुके हैं सैटरडे की बात हो चुकी एक वीक के अंदर सोफी ने बताया है ऑलमोस्ट सोफ़ी ने अभी बताया कि डैनी कैसी ने उसे आस्क आउट किया और एक वीक के अंदर वो उससे मिलने वाली है सैटरडे पे हम पहुंच चुके हैं ये सैटरडे ना उनका ऐसा दिन है जब वो जाते हैं और जाकर मैच देखते ही देखते हैं ये उनकी फैमिली का एक रूटीन है एक रैम है ये एकदम एक, एक रिचुअल बन चुका है उनके लिए वो जाकर बिल्कुल एकदम मैच देखते हैं तो उस दिन भी मैच देखने गए थे तो फिर उसके पापा और चुगलखोर डायरेक्ट जो है वो सारे के सारे गोल के पास में बैठे थे जबकि जियोफ़ और उसके दोस्त जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर बैठे थे उस दिन उनकी टीम यूनाइटेड जो है वो जीत गई थी टू नील से दैट मीन उन्होंने दो गोल किए थे सामने वाले टीम ने दो गोल किए थे और जो सेकंड गोल था वो कै, कैसी ने ही किया था यू you नो know, कैसी ने किस तरीके से डिफेंड खतरनाक कैसे गोल कर दिया और ये जो है एकदम ऐसे उसने गोल किया तो उसके पापा और सारे के सारे लोग एकदम से खड़े हुए और सब लोग उसके लिए एकदम से चीयर करने लगे और उनकी टीम जीत गई और सोफी डैनी <laughs> है गोल किया सेकेंड गोल किया को जिता दिया सोफी तो अलग ही ग्लो कर रही है डेनी कैसी वहाँ वहाँ गोल कर रहा है सेकंड गोल किया उसने पूरा का पूरा स्टेडियम चीख रहा है डेनी कैसी के लिए एंड तो सोफी अलग ग्लो कर रही है अरे डेनी है वो अलग ग्लो कर रही है ठीक है कोई बात नहीं अब इसके बाद में फाइनली जिओव भी बहुत खुश था और यू नो डैरिक आपको पता पापा अभी अच्छा यहां पर पापा जा चुके हैं पापा इज लाइक मैं तो सेलिब्रेट करूंगा आज की ये जीत को वो पब जा चुके हैं सोफी और चुवेल को डायरेक्ट जो है वो घर पे आ चुके हैं तो डायरेक्ट अपनी मम्मी को बताता है पापा को नहीं मम्मी को बताता है आपको पता आपको पता मम्मा आपको पता आयरलैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीतने वाला है ये जो बच्चे होते हैं इनके एंटिसिपेशन लाजवाब होते हैं और जाकर ये सारे एंटिसिपेशन मम्मी को बताते हैं मम्मी को समझ कुछ नहीं आ रहा मैं कहती ठीक है बेटा तो यहाँ पर वो जाकर ऐसे बताता है और एकदम से ठीक है अभी फाइनली ये सारी चीज़ें हो गई हैं अब ये हफ्ता जो है आ चुका है आज वो दिन है जिस दिन वो फाइनली डैनिक ऐसी से फिर से मिलने वाली है डेट पे जाने वाली है ठीक है अब वो चीज़ हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए जिससे आप हम सब डरते हैं और वो है आपका सामना आपकी बेस्ट फ्रेंड दुनिया के अंदर आप किसी को भी कुछ भी कहकर छूट सकते हो पर आप जिससे नहीं बच सकते हो वो है पहली मम्मा और दूसरे आपके बेस्ट फ्रेंड इन दो से से आप 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 बिल्कुल नहीं बच सकते आप जो झूठ 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 बोलोगे ये ये पकड़ लेंगे कि बोलो तो तो सही सही इधर इधर इनको समझ में आ जाएगा आप बोल रहे हो हो तो क्या क्या हुआ तो लाइफ अभी एकदम सही जा रही रही थी वो मिल गई है जेंजी से। जेंजी कहती ये क्या हो रही है क्या रही है कहती बातें सबको तेरे जियॉफ ने हमारे फ्रैंक को बताया है। तेरे जियोफ ने फ्रैंक को बताया कि तू तो से मिली है अभी सोफी एकदम से एकदम से ऐसे 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 यू नो ऐसी हो गई है चौक गई है कि क्या बताऊं इसको क्या बताओ? आ दैट हाँ मिली तो थी मैं उससे नहीं मिली डेनिक तो। से नहीं मिली है ना जो कहिए अब यहाँ पर सोफी क्या बोले उसे नहीं, कैसे कैसे उसे कुछ भी बताए तो नीचे देखती है और देख कर भर भर गालियां देती है अरे ये सिर्फ जी को पर उसने जगत में ढिडोरा पीट दिया है ये जेंजी की चीज नहीं थी ये जेंजी को पता होने वाली चीज नहीं थी क्योंकि जेन्जी जो है वो पूरे के पूरे जगत में बताएगी अब सबको जाके बता के आएगी ये क्या बोलू मैं इसे एकदम ऐसे हो गई अब एकदम से क्या बोले उसे कहती है कि देखो ये एक सीक्रेट है और इसे हमें सीक्रेट रखना है कैंसी कहती पता है मैं तुम्हारा सीक्रेट या तुम्हारा सीक्रेट इफ है यहाँ पर ये बोलती है और इतने में इट्स लाइक अरे like, तुम्हें पता नहीं है अभी किसी को नहीं बता सकते अगर अभी से बताएंगे तो हमारे घर के सामने इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे इतनी बदनामी हो जाएगी मेरे पापा मेरे पापा क्या जवाब देंगे हु? मेरे पापा क्या जवाब देंगे मेरी मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये पूरी डैनी कैसी वाले मैटो पे अब एकदम से जब जेन्जी इस पर बहुत ही कोल्ड रिएक्ट करती है तो सोफी को पता चल जाता है कि जेनजी को ये नहीं पता है कि आज वो डेट पे जाने वाली है तो यहाँ तो कम से कम वो बच गई है फाइनली उसने बोला तुम चिंता मत करो ना? किसी को भी पता नहीं चले कहती तो बहुत छोटी सी चीज़ थी पता तो है लाइक मैं उससे मिली और मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा उसके पास भी पेन नहीं था पेन पेपर नहीं था मेरे पास भी पेन पेपर नहीं था और बस वहीं पर कहानी कहा मेरे को भी तुम्हारे साथ होना चाहिए था जनजी कहती है मुझे भी तेरे साथ होना चाहिए था बोला कि यार बहुत मज़ा आता एनीवे anyway, वे कोई बात नहीं बोला कि अभी मेरे को बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहिए कि हमारे हमारे घर के आगे लोगों की लंबी लाइनें लग जाएं मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे अगर मेरे घर के आगे लंबी लाइनें लग जाएंगी जेंसी बोलती कोई बात नहीं तू मेरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी ओके okay, यही चाहती थी सोफी जेंसी एनीवे अब फाइनली ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व अब आज क्योंकि क्यों सेडनी के, के साथ डेट पे जाना है तो गेट पे जाने के मुताबिक अभी हमारी सोफी क्या है एक कैनाल है और उसके बाजू में जो पैसेज है उस पर वो चली जा रही है तो आराम से वहाँ पर चल रही है अब वो जो कैनाल है वहाँ पर वो जो पूरा पाथ है वो स्ट्रीट लाइट से ग्लो कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं पानी पर भी है वो आराम से वहाँ पर चले जा रही है वो वो सिटी की भीड़ भाड़ शोर गुल से कोसो दूर है कोसो दूर है अब वो वहाँ पर उस प्लेस को जानती है क्योंकि उस प्लेस पे वो बच्चों जब वो बच्ची थी तब वो खेला करती थी और वहाँ पर उसने देखा कि एक वुडन बेंच भी है जो कि एक बहुत ही ऐसे अकेला सा ट्री है उस ट्री के नीचे वो वुडन बेंच है जो लवर्स पॉइंट है यहाँ पर यू नो आ, लोग आते हैं और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर वो इंतज़ार करती है वो तो सोचती है ना ये जगह है परफेक्ट जगह बोला ये ऐसी मीटिंग के लिए सबसे परफेक्ट है ऐसे लोगों के लिए जो नहीं चाहते कि उन्हें कोई देखे तो ये सबसे रोमांटिक जगह होने वाली है ठीक है अब कुछ टाइम तक वो वहाँ इंतज़ार करती है। इमेजिन करती है कि डैनी कैसी आ, वो कनाल को देखती रहती कैसी चल अंधेरों से कैसी चलकर आने वाला है और एकदम से बहुत ही ज्यादा अंदर से एक्साइटेड फील कर रही होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाती कि वो बस अब कैसी से मिलने वाली है बाढ़ उसे अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं बैलेंस भी करना पड़ता है ये सोच के डैनिक कैसी हो सकता है कि डैनी कैसी वो तो ये बैलेंस करती है ये सोचती है कि डेनी कैसी हो सकता है कि ना आए और रियलिटी आपको पता है अभी तक सोफी सिर्फ और सिर्फ कहानी बना रही वो सिर्फ और सिर्फ डेनी कैसी से मिलने की कहानी बना रही थी और उसे पता है कि सच में डेनी कैसी वहाँ पर नहीं आएगा और फिर भी वो वहाँ पर आई है उसे फील करने उस मीटिंग को फील कर बीच में ये चीज़ इसलिए बोल दी क्योंकि तो मैं बाय द चैप्टर जा रही हूँ पर कहीं आपको ऐसा ना लगे कि इंटरप्रिटेशन कुछ एनी anyway, वे तो बेसिकली वो वहाँ पर एकदम से ये सोचती है कि बस वो आ जाएगा और उस शेडो से निकल कर आएगा और एकदम से अंदर से उसके बहुत एक्साइटमेंट होती है उसे मिलने बैलेंस कर कि वो नहीं। वो वहाँ पर बैठती है और सोचती है कि वो यहाँ पर आएगा वो वहां पर देखती है कि डेनी वहां से आए वो डेनी को आते हुए देखती है और टाइम को समय को गुजरते हुए अंदर दर्द फील होता है डाउट फील होता है उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो वहां पर इंतजार कर रही है उसका और वो नहीं आएगा लगता है मुझे याद है जियो ने बोला था वो नहीं आएगा और ने भी मेरे पे बिलीव नहीं किया था जब मैंने उन्हें बताया था और अब मैं उन्हें क्या बताऊंगी मैं क्या बताऊंगी अगर वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मुझे तो पता है ना कि हम दोनों के बीच में क्या था डैनी और मेरे बीच में क्या था पर मैं कैसे इन लोगों को बताऊंगी बट ठीक है मैं थोड़ी कंट्रोल कर सकती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं लोग क्या सोचते हैं पर मुझे ये तो पता है ना कि मेरे और डैनी के, और डैनी कैसी क्या कहानी थी उसे बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है उसे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी लोगों को गलत साबित नहीं कर पाऊंगी कि डैनी नहीं आएगा ये ये कौन से लेवल की इमेजिनेशन है कौन कर रहा है ये इमेजिनेशन डेनी डेनी कैसे खेल रहा है उसे पता तक नहीं है कि सोफी नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर सोफी ने उसके साथ में डेट कर लिया है और सोफी ये बिलीव कर चुकी है कि डेनी केसी नहीं आएगा डेनी केसी ने कैंसिल कर दिया और उसका दुख भी बना ली है ये कैसी ओवरथिंकिंग है यार ये तो मेरे से भी 100x हो गया है हां एनी anyway, वे अब वो वहाँ वेट करती है देखती है कि जैसे जैसे अच्छा अभी तक वो जब एकदम से फील कर रही थी डैनी कैसी कि आने को कि ठीक है डैनी कैसी यहाँ पर आने वाला है तो एकदम से ऐसा सोच रही थी कि ठीक है अभी वो आएगा द पॉसिबिलिटी कि वो आएगा वो बढ़ रही थी और एक छोटी सी पॉसिबिलिटी कि वो नहीं आएगा वो थी उसके आने की पॉसिबिलिटी और उसके नहीं आने की पॉसिबिलिटी इस तरीके थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरे जा रहा था उसके नहीं आने की पॉसिबिलिटी दाधा पड़ गई थी इसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस हो रहे थे वो रियलिटी को मीट एनीवे बट एनीवे अब वो क्या कर सकती थी वो अभी तो ये नहीं सोच सकती थी ना कि वो नहीं आएगा उसे अंदर यकीन तो रखना था एनीवे anyway, अब वो बोलती है नाउ आई हैव बिकम अब मैं उदास हो रही हूं एनीवे <laughs> anyway, इसके बाद भी बोलती है It's... एंड इट्स अ हार्ड बर्डन टू कैरी इस बोझ के साथ में मैं कैसे जीऊंगी इस इस सैडनेस के साथ में मैं कैसे जीऊंगी यहाँ पर बैठे रहना ये देखते रहना कि वो नहीं आएगा मुझे मेरा फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है और मुझे इस बर्डन के साथ जीना पड़ेगा इस बर्डन के साथ जीना पड़ेगा और वो लोग हमेशा उन्होंने हमेशा मुझ पे डाउट किया और अभी भी मेरे पे डाउट करेंगे पर मुझे पता है मुझे पता है कि सब कुछ कैसा था मुझे यकीन है अपने आप पे मुझे यकीन है डैनी और मुझ पे और फिर हमारी ओवर एक्टर सोफी चल जाती है जैसे कि जिनका दिल से जो टूटे कोई सपना एंड द स्लो हो। स्लो वॉक वॉक हो करते करते वो घर जाती है और सोचती है कि जी कितना डिसअपॉइंटेड होगा मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी जी ऑफ डैनी कैसी नहीं आया जी ऑफ मेरे पास से निकल जाएगा और वो दरवाजा मार के चला जाएगा सॉरी जी ऑफ तो एकदम से ऐसे फील करती है कि अरे यार अभी जियॉफ जो है वो वो भी कितना डिसअपॉइंटेड फील करेगा और मैं बोलूँगी कि नहीं आया डैनी बट ठीक है उसे तो पता ही था कि वो नहीं आएगा बट मुझे तो पता है ना मुझे पता है डैनी और मेरी कहानी मुझे पता है ये दर्द क्यों नहीं करता ये इट्स अ हार्ड थिंग सैडनेस ये गम बहुत मुश्किल है इसे टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है अब वो कैसे पे चढ़ती है उस उदास मन साथ में और देखती है कि पब के बाहर पापा की साइकिल खड़ी हुई है चल अच्छा पापा को तो कुछ आंसर नहीं करना पड़ेगा तो पापा की साइकिल वहाँ खड़ी होती है वो देखती है और फिर सोचती है कि चलो कम से कम मैं घर जाऊँगी तो पापा को तो आंसर नहीं करना पड़ेगा और फिर वो घर जाती है और रास्ते में आता है रॉयर्स का शॉप और वो उसी पॉइंट पे खड़ी हो जाती है जिस पॉइंट की स्टोरी है, उसने जिय को जिस पॉइंट की स्टोरी उसने जेंजी को बताई थी उस सारी उसी पॉइंट पे खड़ी होती है मुझे नहीं पता बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब की इमेजिनेशन दृश्यम वन और दृश्य टू में हुई थी सोफी की इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल है उसने सबको इमेजिन बिलीव करवा दिया था कि डेनी कैसी से वो सच में मिली है ऐसी इमेजिनेशन करवा ली खुद खुद से सबको और वो वहां पर खड़ी होकर खुद इमेजिन कर रही है देखो क्या इमेजिन करती है एक्सक्यूज मी बट आंटी यू डेनिक ऐसी अरे आप आप तो डेनिक ऐसी है राइट अब वो वापस से उसे पिक्चर करती है और वो घूमता है थोड़ा सा वो ब्लश कर रहा है कहता है यू डेनिकस आ, आ हम लोग आपको हर हफ्ते देखते हैं और मैं और मेरे ब्रदर्स और हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं हमको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा खेलते oh. well, you know, ये तो बहुत अच्छी बात है आ, 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 आप मेरे लिए एक ऑटोग्राफ साइन कर देंगे तो बोलती है अब यहां पर जैसे वो उससे ऑटोग्राफ आँखें एकदम मेरी आंखों के साथ में उसकी नाक पे फ्रैकल्स हैं ब्राउन कलर के धब्बे और उसकी नाक थोड़ी सी ऊपर उठ रही और वो जब हंसता है तो बड़ा शर्मा के हसता और दांत के बीच का गैप भी दिखता है एनीवे anyway, एकदम हरी और वो स्ट्रेट तुम्हें देखता है और जब वो तुम्हें देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती आंखें कितनी ज्यादा झंडी ज्यादा डरी हुई ऑलमोस्ट एक हिरन की जैसी और फिर तुम दूर देख लेते और फिर वो तुम्हें देखता है। और फिर जब तुम उसे वापस देखते हो और वो एकदम से कहता है और फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे पास भी पैसे, और इतने में तुम कहते मेरे का तो दिल ही टूट जाए वहाँ पे बस यहाँ तक उसके याद रहता है ये वही स्टोरी है ये वही स्टोरी है जिसे वो इमेजिन कर रही है जो उसने जॉब को और बाकी सब कुछ इतनी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ अकेले कार्ड में और उसकी इतनी सॉफ्ट मेलोडियस आवाज़ याद कर कि हरी आंखें उनका शिमर याद कर रही हूँ no taller than you, the prodigy, the innocent genius, the great ये क्या है? ये है hero worship हीरो वर्शिप जो आपको teenagers और adolescents में ज़्यादा देखने को इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं अपने आदमी कि वो ये करते हैं ठीक तो है तो ये आपको बहुत ज़्यादा वहाँ देखने को मिलती है एकदम तो से सोचती है कि वो एकदम मेरे जितना लंबा है वो वो, वो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ बहुत ही जेंटल है इनोसेंट जीनियस द ग्रेट इतने अच्छे से पिक्चर करके हमें बताया कि वो डैनिक कैसी से कहाँ मिली कैसे मिली पर हकीकत क्या है कि वो कैसी से पिछले सैटरडे मिली थी जब उसने देखा था कैसी को सेकंड गोल कर Or Unki team unite or silo That's the end of the chapter. So basically, let's talk about the chapter now. Now that we have read the chapter, now that we have read the chapter, I have narrated the chapter. So the chapter is about a teenage girl, adolescent girl. जो कि अटेंशन सीकर है पीपल प्लीजर है लोगों का अटेंशन पसंद है अपने बड़े बड़े भाई का अटेंशन उसे पसंद है उस अटेंशन को सीक करने के लिए वो डेनी कैसी जो कि उसके भाई का जो जो जिसको उसका भाई पसंद करता है जिसकी वो खुद फैन है उसकी एक स्टोरी बनाती है वो कहती है कि कैसे वो डेनी कैसी से मिली थी एक पास की दुकान में जहाँ पर डेनी कैसी आया हुआ था और वो वहाँ पर मिली थी और फिर उससे मिलने वाली अगले हफ्ते डेट पे जाने वाली उस भाई का अटेंशन सीख करने के लिए क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उस भाई की एक दुनिया है और वो चाहती है कि वो कुछ पर्सनल स्टफ़ उसके साथ शेयर करे ताकि वो भी ओपन अप हो उसके लिए वो एक अटेंशन उसका सीख करना चाहती है वो वो डेनिक ऐसी के साथ अपनी फैंटसीज़ को जीना चाहती है और इसके लिए वो ये स्टोरी बनाती है जिसको वो जिय को यकीन दिलवाती है अपने पापा को अपने घर में सबको यकीन दिलवाती है जेंजी को यकीन दिलवाती है एक टीनेज बहुत ओवरथिंक करते हैं वो फैंटिसाइज करते हैं चीज़ों को सोचते हैं और उसी की ये स्टोरी इस लेवल तक सोचते हैं कि शायद कभी कभी चीज़ें उन्हें दिखने लग जाती हैं वो ऐसी इमेजिनेशन करते हैं कि ऑलमोस्ट वो फील होने लगता है उसकी हाइट्स जो पेन वो फील करना चाहते हैं जो एक्साइटमेंट वो फील करना चाहते हैं वो वो हाइट्स बढ़ जाती हैं यहाँ पर ना तो डैनी कैसी का कोई इन्वॉल्वमेंट था ना उससे कभी मिला ना वो उसे जानता है बट उसके बावजूद उस फैंटसी को जीने के लिए सोफी कैनाल पे जाती है और वहां जाकर ऐसे इंतज़ार करती है जैसे सच में डैनी कैसी आने वाला है पर उसे घर जाकर भी कुछ कहना होता है और उसे पता है डैनी कैसी नहीं आएगा वो उस दर्द को भी फील करना चाहती है और इसीलिए वो डैनिक ऐसी के ना आने वाले दर्द को भी वहां फील करती है वापस आती है सोचती है घर जाके जियव को ये बताऊंगी कि डैनिक कैसी नहीं आया पर वापस आते वक्त भी वो अपने उस दिमाग को जो कि बहुत ही इमेजिनेटिव है उसमें वो ऐसी इमेजिनेशन करती है ऐसे सपने देखती है जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे उस इमेजिनेशन के थ्रू वो फिर से रीलिव करती है उस मोमेंट को जो कि उसने फैंटेसी आउट ऑफ फैंटेसी क्रिएट किया जिसमें वो डेनी कैसी से मिली पर हकीकत तो ये थी कि उसने डेनी कैसी को मैचेस के अलावा कभी नहीं देखा इसीलिए चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस क्योंकि सोफी अपने दिमाग से बस दुनिया घूम रही है ख्वाबों में जी रही आई होप आपको मेरा नरेशन पसंद आया होगा और चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा अगर हाँ तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था चैप्टर में और मैं आपसे मिलने वाली हूं Bye-bye. Take care. I love you.